जूनागढ़ अने केशोदमां जलाराम बापानी 224मी जन्म जयंतीनी शानदार रीते उजवणी करवामां आवी। जूनागढ़मां जलाराम बापानी जन्म जयंती निमित्ते रक्तदान कैम्पनुं पण आयोजन थयुं हतुं अने तेमां मोटी संख्यामां लोकोए रक्तदान कर्युं हतुं। आगळ वात करवामां आवे तो केशोद जलाराम मंदिरथी बापानी भव्य शोभायात्रा निकळी हती अने तेमां मोटी संख्यामां लोको उपस्थित रह्या हता। समग्र सोरठमां संत शिरोमणि परम पूज्यनीय अने वंदनीय एवा जलाराम बापानी 224मी जन्म जयंती निमित्ते जूनागढ़ अने केशोदमां ज्ञाति समूह पूजननी लईने अनेकविध धार्मिक कार्यनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। तेमां मोटी संख्यामां माताओ बहेनो अने ज्ञातिना लोको जोडाया हता अने पूरा भावथी समग्र सूरतमां जलाराम बापानी जन्म जयंतीनी उजवणी करवामां आवी हती। त्यारे केशोदमां विशाळ संख्यामां जलाराम बापानी नगर यात्रा तेमज बपोर बाद अन्नकूट दर्शन तेमज सर्व ज्ञाति महाप्रसादनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। जलाराम मंदिर केशोद आज रोज पूज्य संत शिरोमणि जलाराम बापानी 224मी जन्म जयंती होय केशोदमां जलाराम मंदिर खाते खूब सरस रीते आयोजन करेलू छे। प्रसादीनुं आयोजन करेलू छे। गई काले जलाराम बापानी जन्मजयंती गुरु संध्या खूब सरस बाइक रेली काढेली हती अने आजे सवारे 9 कलाके शोभायात्रा केशोदना मुख्य मार्ग पर पसार थई अने अत्यारे अन्नकूट बाद प्रसादीनुं आयोजन करेलू छे अने तेमां केशोद शहेरना तमाम ज्ञाति अने विविध एनजीओना प्रमुखो तेमना आगेवानो साथे जलाराम भक्तोए અહીં ભાગ લીધો છે। જે પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે અને જલાતા ભજન પ્રભુ ભજન કરવું, દરેકને ભોજન કરાવવું, સેવા કાર્યમાં રત રહેવું અને પુરુષાર્થથી પોતા કમાયેલા ધનમાંથી બીજાની સેવા કરવી અને સાદાઈથી રહેવું, આ જ ગુણ આપણામાં પણ ચરિતાર્થ થાય અને પ્રભુ જલામ બાપાના આશીર્વાદ મળે, શ્રીરામચંદ્ર ભગવાનના સૌને આશીર્વાદ મળે તેવી જ આ જલામ જયંતી નિમિત્તે શુભેચ્છા છે। જય જલારામ। સાથે જગદીશ યાદવ, લાઈવ 24 ન્યૂઝ।